चंडीगढ़ पुलिस वालों उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी दे विच बिठाया जा रहा है। मेन गेट पर आके बैठ गए सीगे, सो पुलिस वालों उन्होंने हिरासत च लिया जा रहा है। पहला किसान मारते फिर जवान मारते, असीं पुछना चाहुंदे जे साडा किसान भी मारता जवान भी मारता साडे वास्ते अगे है की आईलेट्स, साडे वास्ते अगे है की नशे आ, गैंगस्टर की करिए असीं। की लगता प्रधानमंत्री नूं इस ते सामने आके जवाब देना चाहिए? मैं तो कहना इन्हां दा कोई चाल आ भी अंदरों आके जे जवाब दे देवे तां उह वी बहुत वड्डी गल है, की पता यही अगे उह प्रधानमंत्री बन जावे। देखो विद्यार्थी भी इत्थे चाले जवान भी मारदे, करिए की असीं क्यों है जे एक्शन करूगा फिर रिएक्शन भी दुगना आऊगा। इनू पंजाब दा इनू देश दा ये मुद्दा देखा जाए, किसानी मारती फिर जवानी मारती, ये जय जवान जय किसान दा नारा है ना, जय अडानी जय अंबानी दा नारा हो गया। सो पुलिस वालों उन्होंने फड़ के लैके जाया जा रहा है। पंजाब भाजपा दफ्तर चंडीगढ़ के बाहर प्रदर्शन जिहड़ा हैगा ये कीता जा रहा, मोदी सरकार मुर्दाबाद दे नारे भी जिहड़ा लग रहे ने। शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। प्रदर्शन की वजह की है इन्हां तों जानदे आ। पुलवामा वाले 40 शहीद सैनिकां दीआं तस्वीरां इन्हां दे कोल हैगीआं ने। सो मोदी सरकार मुर्दाबाद दे नारे तुसीं ला रहे हो, वजह की है? वजह जी आ देखो, पहला किसान मारते फिर जवान मारते जी, की हुंदा सीगा जे जहाज दे दिंदे उन्होंने, जे तुहाडा गवर्नर कह रहे जिहड़ा तुसीं उत्थे लाया कि उत्थे उन्होंने जहाज मंगे, उन्हां दा अपना गवर्नर है, अपना गवर्नर है, ते उह बाद च हुण इन्ने वड्डे इल्जाम ला रहा है। अज उही असीं शांतिपूर्वक तरीके नाल कोई ज्यादा कट करके नहीं, 100 बच्चा या विद्यार्थी जथेबंदी दे आ, असीं पुछना चाहुंदे जे साडा किसान भी मारता जवान भी मारता साडे वास्ते अगे है की आईलेट्स, साडे वास्ते अगे है की नशे आ, गैंगस्टर की करिए असीं। की लगता प्रधानमंत्री नूं इस ते सामने आके जवाब देना चाहिए? मैं तो कहना इन्हां दा कोई चाल आ भी अंदरों आके जे जवाब दे देवे तां उह वी बहुत वड्डी गल है, की पता यही अगे उह प्रधानमंत्री बन जावे। इन्हां दरबार दे बाहर बैठन लगे आ। सो इशप्रीत सिद्धू जिहड़े हैगे ने पंजाब विद्यार्थी कांग्रेस NSUI दे इह मैंबर ने, प्रदर्शन किया जा रहा कि प्रदर्शन पंजाब भाजपा दफ्तर के बाहर जारी है लगातार। सो यूथ कांग्रेस के वर्कर ने सारे ये सवाल यह उठता है कि जो मलिक गोवा के राजपाल से भ्रष्टाचार की गल चुकते हैं कुछ नहीं होंगे, वो किसानी हक च गल चुकते हैं कुछ नहीं होंगे, हुण पुलवामा अटैक से गल चुक रहे कुछ नहीं हो रहा, यह कॉन्सपरेंसी कोई ड्रामा लग रहा है? मलिक का बयान भी कि उस पर कुछ एक्शन भी नहीं है, वो खुलासे कर रहा है तो वो गल का जवाब भी दे रहे। तुम ये देखो जब जवान मर गए, जब जवान मर गए उन्होंने कोई जवाब नहीं, उन्होंने की लगता है सच्चाई है ड्रामा पार्टी दसो की है सब की है? साडी जवान अस तो आम विद्यार्थी हैं, साडे तो इन्नी अकल है नहीं गी, अकल तो वड्डे माँ प्यो नूं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नूं होनी चाहिए है, साडे तो नौजवान मर गए ना, ये दसो ये की कॉन्सपरेंसी है? ये तो मैंने मूसेवाले की भी जिहड़ा मारिया वह भी सेंटर का ही लगता ता मारिया ना, जदों अपने जवानों नूं नहीं बख्श सकते ये तो सानू पंजाब दे विद्यार्थी देर नाल नहीं बोले कौन मलिक बोले तो सही ना, तुसीं तो सानू भी कहोगे 3 दिन बाद आके धरना ला रहे हो, अस बोले तो सही ना, जुर्त तो करी ना किसी ना किसी ने, जो वो बोल रहा इंसान बोलिया तो सही ना, वो मलिक तो किसानी अंदोलन च भी बोलिया सीगा कि किसानी अंदोलन खत्म करता सी, साल लाया सीगा, गोवा करप्शन ते भी बोलिया है, मैं तो फिर ड्रामा ही लगता भी वो बोलता भी है तो उस ते एक्शन भी नहीं है, उहदे रिएक्शन भी नहीं है, सब बोलता क्यों आ वो, एक्शन कीदा नहीं है, जे एक्शन करूगा फिर रिएक्शन भी दुगना आऊगा,
जे अज उन्हें एक एक्शन जो उत्ते सरकार ने वो एक्शन से असं अज इतने बैठे हैं थोड़ी गिनती चाहे पर जे अगे आने वाले समय से यह भी 50 जे 60-70 अज बत्ते इकट्ठे हुए हैं कली कली मावां दे पुत्त ने आह जे इन पिछे भी जवाक रोंदे सीगे इनू एक्शन रिएक्शन ना देखा जाए इनू पंजाब दा इनू देश दा यह मुद्दा देखा जाए किसानी मारती फिर जवानी मारती ये जय जवान जय किसान दा नारा है ना जय अडानी जय अंबानी दा नारा हो गया हुण ये चक्कर है साहब ये च कोई ये अंदरों कोई आए वो देखो किन्नी बड़ी मोदी साहब की फोटो लगी है हुण इस तो बाद उत्थे जाके बैठांगे छां च अंदरों कहिंदे समोसे फड़न देणगे तुहानू हां पता नहीं की करनगे हुण तो सानू पता नहीं बढ़न देणगे कि नहीं बढ़न देणगे हुण समय तो बाहर है। सो इशप्रीत सिद्धू नाल गलबात जिहड़ा चल रही सी हले कहिंदे थोड़ी आपां गिणती दे विच आए आ और एक संकेतिक जिहड़ा धरना हैगा उन्हां वल्लों इह पंजाब भाजपा चंडीगढ़ के दफ्तर के बाहर जिहड़ा दिता जा रहा भी पुलवामा अटैक होया 40 जवान शहीद होए सीधे तौर पर साड़ी सरकार की लापरवाही सी एयरक्राफ्ट मंगे गए उन्होंने वो दिते नहीं गए नतीजा की होंगे 40 जवानों की जान चली जाती है रोकया जा सकता सीगा अटैक शक्की गड्डियां का घूमना कि सरकार या भाजपा पार्टी इन्नी बेपरवाह हो सकती है देश नूं लैके ये जवाब जिहड़ा हैगा पंजाब का नौजवान हुकर राम सरकार तो मंग रहा है। सो देख रहे हो तुसीं कि पंजाब विद्यार्थी कांग्रेस के जिहड़े हैगे ने मैंबर प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब भाजपा दफ्तर के बाहर चंडीगढ़ पुलिस वल्लों उन्होंने अंदर जाने तो रोका जा रहा है कहिंदे सी जवाब लैन आए हैं कि सतपाल मलिक साबका गवर्नर जम्मू के कहिंदे ने पुलवामा अटैक भारत सरकार की लापरवाही सी या नालायकी सी इहदा जवाब लैन आए ने चंडीगढ़ पुलिस वल्लों उन्होंने अंदर जाने तो रोकया जा रहा है। चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर के बाहर पंजाब के पंजाब भाजपा दफ्तर है जो चंडीगढ़ के सैक्टर 37 उसके दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन चलता पाया है सो अंदर जाने की गल कर रहे हैं जवाब मांग रहे हैं इस चीज़ लिए तो चंडीगढ़ पुलिस नाल बहसबाजी भी जिहड़ा हैगा हो रही है प्रदर्शनकारियों की जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो असीं तुहानूं सारा प्रदर्शन इत्थे दिखा रहे हैं। आप अंदर से इंश्योरेंस करवा दो कि हम चल जाएंगे अगर अंदर कोई भी नहीं है हम चल जाएंगे आप अश्योरेंस दे दो कि आप हमारी इनसे मीटिंग करवा दोगे। हमने सिर्फ ये पूछना है कि जो ये मरे पहले किसान मरे फिर जवान मरे हम मैम हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि सर जैसे बॉडी हम भी नौकरियां लग गए मैम पर हमारे पहले किसानी मार दी अब जवानी मार दी कोई गवर्नर मैम अंदर जवाब आने नहीं दिया जबरदस्ती कौन गुस्सा जबरदस्ती तो पाकिस्तान वाले आ गए अपना इंटरव्यू देता है और उसकी बात को छुटलाने के लिए जबरदस्ती कुछ भी हम आपके बच्चे जैसे हैं आपके छोटे भाइयों जैसे आप अंदर से इंश्योरेंस दिलवा दो कि अंदर कोई भी नहीं है आपकी इस डेट को मीटिंग सेटल कर देंगे जैसे हमें अरेस्ट ना करो कौन सेटल करेगा मैम हमें फिर आप कैसे बोल रहे हो कि अंदर हम जानते हैं ना मैं जानती हूँ जिस दिन मीटिंग होता है शेड्यूल आ जाता है आज ये बीजेपी भवन खुलेगा और यहाँ कोई मीटिंग है कौन आ रहा है कौन जा रहा है शेड्यूल फिर हम भी अंदर किसी से बात तो करवा दो प्रधानमंत्री बन जाए रेडी पे चाय बेचता करते थे इस प्रधानमंत्री क्या पता केयर टेकर ही बजे मुख देखो त्रासदी देखो पंजाब का क्या हो रहा है जोकर था मुख्यमंत्री बन गया कैसे बात कर रहे हो क्योंकि मैम आप ही बोल रहे हो आप तो हम लोगों को जबरदस्ती आप लोग जैसे इस जनता या जनता जो आप लोग बात कर रहे हैं मैं सिर्फ एक ही अंदर कोई नहीं है चलो चलो सो प्रदर्शन जिहड़ा ये पंजाब विद्यार्थी कांग्रेस वालों चल रहा है NSUI वालों पुलिस वालों उन्होंने फड़ के लैके जाया जा रहा है मेन गेट पर आके बैठ गए थे सो पुलिस वालों उन्होंने हिरासत लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों बड़ी थोड़ी गिनती के आए थे कहते सिर्फ स्लोगन रेज कर रहे हैं अपने
ते पुलिस वालों हुण उन्हां नूं फड़ के लैके जाया जा रहा है। दफ्तर कोई ना कोई बैठा ही होना, बहुत बड़ी त्रासदी है। सानू टाइम ले देन पुलिस वाले, उन्हें बुला लो। सो पुलिस वालों उन्होंने फड़ के लैके जाया जा रहा है। बैठ रहे इत्थे प्रदर्शनकारी, तुसीं इह वी देख रहे हो प्रदर्शनकारी बैठ भी रहे ने। चंडीगढ़ पुलिस वालों उन्होंने जबरदस्ती गड्डी दे विच बिठाया जा रहा है। सतपाल मलिक दे इंटरव्यू नूं लैके जवाब मंगण आए सीगे भाजपा दफ्तर विखे। सो इह प्रदर्शन जिहड़ा जारी है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस नूं वल्लों उन्हां नूं हिरासत दे विच लिया जा रहा है। देखो विद्यार्थी भी इतने चार ले, जवान भी मार दे, करिए कि असीं करिए सर आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए सर बाहर आंदोलन में आके लड़ रहे हैं। तुसी देख रहे हो NSUI वालों इशप्रीत सिद्धू प्रधान ने पंजाब विद्यार्थी कांग्रेस के प्रदर्शन में किया जा रहा है। प्रोटेस्ट सीगा कि सतपाल मलिक ने जो सवाल उठाए ने साबका गवर्नर जम्मू के, जवाब भाजपा वालों दिता जाए। भाजपा जिहड़े पंजाब दफ्तर चंडीगढ़ के बाहर आके बैठ गए थे, तो पुलिस वालों हुण उन्हां नूं गिरफ्तार करके लैके जाया जा रहा है। सवाल उठा रहे थे कि यह सब कुछ क्यों होया, नतीजा की है कि सारिया नूं बस के फड़ के हिरासत पुलिस अपने कोल लै गई है। सो आवाज़ आप कही भावें राजनीतिक तौर पर ही उठ रही है, पर कितना कितना लगता कि भाजपा यदा जवाब जरूर देना पड़ेगा। विजय मोहन के नाल बलजीत मरवाहा, चंडीगढ़।